हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड है। हाल ही में 2022 में जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड दामोदर माउजा को। दामोदर माउजा को जो है 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं दामोदर माउजा। नीलमणि फुकन को 2021 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। असमिया भाषा के साहित्यकार हैं नीलमणि फुकन। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए हैं। तो नीलमणि फुकन को 2021 के लिए मिला है और दामोदर माउजा को 2022 के लिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? विच इंडियन ऑथर हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 फॉर हर फर्स्ट हिंदी नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे हिंदी की पहली लेखिका हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। ये एक हाई प्रोफाइल साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए या फिर यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ नॉवल को दिया जाता है। और हाल ही में ये गीतांजलि श्री को दिया गया है जो कि भारतीय लेखिका हैं। ओके, नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द एबल प्राइज 2022? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। यह पुरस्कार जो है उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि एबल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज बीन ऑनर्ड विद द पुलित्जर प्राइज 2022? दानिश सिद्दीकी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, अदनान आबिदी, इन सभी को जो है हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 1917 में पुलित्जर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, और 2022 में 4 भारतीय पत्रकारों को ये दिया गया है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। भारत के 4 पत्रकारों को ये 2022 के लिए मिला है, इसमें से दानिश सिद्दीकी को ये मरणोपरांत दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? विच स्कीम हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट वर्क इन इनोवेशन कैटेगरी? उड़ान योजना को यह पुरस्कार इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? विच टनल इन इंडिया हैज़ वॉन द वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड एट द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी अटल सुरंग को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुरस्कार जो है हाल ही में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में कौन टीम विजेता बनी है? विच टीम हैज़ emerged as the winner of the Indian Premier League 2022? IPL 2022 में कौन सी टीम विजेता बनी है? गुजरात टाइटंस जो है ये विजेता बनी है। इसने राजस्थान रॉयल को हराया है। अगर पूछा जाए कि कौन से स्टेडियम में अंतिम मैच हुआ था, तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच हुआ था। हाल ही में जो है स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। पहले स्टेडियम का नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम का नाम जो है कुछ समय पहले ही चेंज किया गया था और नाम रखा गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद में है ये, जहां पे जो है आईपीएल का अंतिम मैच हुआ था। बात करें अगर हम 2021 की, तो चेन्नई सुपर किंग जो है 2021 में विजेता रही थी। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2022? बिल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है ऑस्कर अवार्ड 2022 में। नेक्स्ट है, 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद 31st व्यास सम्मान? असगर वजाहत।
असगर बजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है उनके नाटक महाबली के लिए। 2021 के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण 2021 में कुछ पुरस्कार नहीं दिए गए थे जो 2022 में दिए गए हैं। तो 31वां व्यास सम्मान असगर बजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया। बात करें अगर हम 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था तो सर्द पगारे को 2020 में 30वां व्यास सम्मान मिला था। 29वां नाशिरा शर्मा को मिला था 2019 में, नाशिरा शर्मा को कागज़ की नाव के लिए, और सर्द पगारे को पाटलिपुत्र की सम्रागी के लिए, और असगर बजाहत को महाबली के लिए। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। हु विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल करजियस वुमेन अवार्ड 2022, रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन बांग्लादेश की हैं, पर्यावरणविद अधिवक्ता हैं ये, और इन्हें साहसी अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला। हु गॉट द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, पुष्पा द राइस को जो है फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। बात करें अगर हम बेस्ट फिल्म की तो शेरशाह को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में शेरशाह को बेस्ट फिल्म और फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है पुष्पा द राइस को मिला है। नेक्स्ट है किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया है। विच इंडियन महारत्ना कंपनी हैज़ बीन अवार्डेड इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। कोल इंडिया लिमिटेड को जो है भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। भारत में लगभग 10 महारत्ना कंपनी हैं जिसमें से कोल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज वर्ल्ड 2022, साइलिन फोर्ड। साइलिन फोर्ड अमेरिका की हैं, उन्होंने यह खिताब जीता है जबकि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था नवदीप कौर ने। नेक्स्ट है युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। हु हैज़ बीन अवार्डेड रामानुजन प्राइज 2021 फॉर यंग मैथमेटिशियन, नीना गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं और रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो तीसरी महिला हैं। ओके, नेक्स्ट है 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 31st सरस्वती सम्मान 2021, रामदर्श मिश्रा को। रामदर्श मिश्रा को उनका काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है 2021 के लिए। मैं तो यहाँ हूँ यह काव्य संग्रह है उनका जिसके लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। बात करें अगर हम प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन को जो है प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह जो सम्मान है ये स्थापित किया गया है। बात करें अगर हम शरण कुमार लिम्बाले की तो 2020 के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है। वासुदेव माही को 2019 के लिए और के सी रेड्डी को 2018 के लिए सरस्वती सम्मान मिला है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी वेस्ट स्टेट इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2022, उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह था वहाँ पे इसकी घोषणा की है और उत्तर प्रदेश जो है यह पुरस्कार पहला पुरस्कार उन्हें इसमें प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो है पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021, निकिता सोकल को यह खिताब मिला है। नेक्स्ट है फ्रेंच रिवेरा कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन अवार्डेड एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड 2022 एट द फ्रेंच रिवेरा कॉन्स फिल्म फेस्टिवल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है, जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर विद द स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर सिग्निफिकेंट वर्क इन द फील्ड वाटर कंजर्वेशन? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मरणोपरांत किसे नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? हु वॉज पोस्ट मोस्टली अवार्डेड द नारी शक्ति पुरस्कार 2022? इला लोध को। इला लोध जो त्रिपुरा की डॉक्टर रही हैं, इला लोध मरणोपरांत जो है उन्हें यह नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें जेडी बिड़ला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद द 31st जेडी बिड़ला अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन साइंटिफिक रिसर्च? नारायण प्रधान को। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जेडी बिड़ला पुरस्कार के लिए उन्हें चुना गया है। किसे? नारायण प्रधान को। 14 मार्च 2022 को इसकी घोषणा की गई थी कि 2021 का जो 31वां जेडी बिड़ला पुरस्कार है वो नारायण प्रधान को दिया जाएगा, और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991 में हुई थी। बात करें अगर हम 30वां जेडी बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सुमन चक्रवर्ती को 30वां जेडी बिड़ला पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, बींग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड इन द विंग्स इंडिया अवार्ड 2022? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। बेंगलुरु में है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जो है यह पुरस्कार जीता है, विंग्स इंडिया पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? हु हैज़ बीन चूजन एज द ग्लोबल पीस एम्बेसडर एट द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022? बबीता सिंह को चुना गया है। ओके, नेक्स्ट है, नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड सील 2022 किस देश की टीम ने जीता है? लॉक्ड सील 2022 जो है किस देश की टीम ने जीता है? विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक्ड सील 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाई नाटो? ये फिनलैंड ने जीता है। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।